गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अभी स्टार्ट करते सर हैं आज क्या पढ़ेंगे अपन? बेटा कुछ और क्वेश्चंस क्या होगा? सर वो मतलब 30 डिग्री ऐसे वाले, कॉस 30 हाँ साइन हाँ वही, थर्टी हाँ वही करेंगे बेटा। सर आपने कल डीपीपी सेंड नहीं की? बेटा आज कर दूंगा आपको, मैंने कल प्रिपेयर की थी डीपी पूरी, आज सेंड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप पर आ जाएगी आज। यस अभी स्टार्ट करते हैं बस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखो, अपने पास क्वेश्चन है। इफ आपको एक्स दिया हुआ है 30 डिग्री, इफ एक्स इक्वल टू 30 डिग्री, इफ एक्स इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपसे बोला है वेरीफाई दैट आपको एक्स दिया हुआ 30 डिग्री, तो उसमें आपसे बोला है वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई दैट, इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका साइन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। बेटा ये अपने में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आप 11th में पढ़ोगे, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, साइन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। तो आपको जब एक्स 30 दिया हुआ है तो आपको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, देखो एक पार्ट मैं कहता हूँ, एक पार्ट आप खुद करना। आपको एक्स 30 दिया हुआ है तो मैं इसमें पहले LHS पार्ट लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास क्या है, मेरे पास है साइन थ्री एक्स। ओके, तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक्स पुट कर दे, 3x मेरे पास कितना है 30 डिग्री है, तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास साइन 90 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है बेटा, तो आपका LHS पार्ट क्या आ गया, 1 आ गया। इतना समझ में आया, यहां तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। ये स्टेप समझ में आया, मैंने x इसमें 30 यस पुट, सर। ठीक है ये हो गया। अब RHS पार्ट पर आते हैं। RHS पार्ट देखो, माइनस कर लो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अगेन मैं इसमें क्या करता हूँ बेटा, एक्स जो 30 डिग्री है ये मैं पुट कर देता हूँ 3 sin 30। ठीक है, पुट कर दिया, माइनस 4 sin क्यूब एक्स है तो उसको लिख दो इस तरीके से, साइन 30 डिग्री है और इसका हो जाएगा क्यूब, क्योंकि तो साइन क्यूब एक्स है, लिख दे ऐसा, एक ही बात है। ठीक है, सॉल्व कर दे, 3 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, माइनस 4 ये भी 1/2 और इसका हो गया क्यू। सॉल्व कर दें, 3/2 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 3/2 माइनस 1/2 कितना आ गया, 2/2, तो 1 मिल गया। मिल गया आपको, लिख दोगे देयरफॉर, हो गया वेरीफाई। तो यहां से आप लिख दोगे साइन 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी होती है। आया क्या समझ में, कोई डाउट, समझ में आ गया बेटा? नो सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, नोट कर लो। फिर ऐसा एक क्वेश्चन एक और देता हूं मैं, तो आप ये याद रखना, ये आपकी आइडेंटिटी होती है जो आपके 11th में आप जब जब पढ़ोगे तो आपकी ये काम आएगी। 10th तक तो नहीं है, 11th में काम आती है ये, 11th 12th में। ठीक है, साइन 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, इसको कॉपी कर लो। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लिखता हूं, नेक्स्ट पार्ट आप खुद वेरीफाई करना, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो।
कोई डाउट? नो नो सर, सर। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट आप खुद करना। एक्स आपको 30 ही दिया हुआ है, ठीक है? एक्स आपको 30 ही दिया हुआ है, तो इसमें सेकंड पार्ट आपको वेरीफाई करना है। ये भी आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है? ये है, आपको ये दिया हुआ है cos 3x इक्वल टू 4 cos³x - 3 cos x, cos³x = 4 cos³x - 3 cos x। इसको आप ट्राई करोगे? वही, इसमें x आपको 30 पुट करना है, यस सर। ठीक है? ट्राई करो, x 30 पुट करो दोनों में, दोनों साइड में, और देखो सेम आनी चाहिए वैल्यू, तो वेरीफाई हो जाएगा। ट्राई करो उसको, तीनों ट्राई करो, कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। कहीं प्रॉब्लम हो तो बताना। ट्राई करो उसको। और अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो बताना, मैं सॉल्व करा दूंगा इसको। तीनों सॉल्व करो, cos³x = 4 cos³x - 3 cos x। यस सर। सर वैल्यू 1 आ रही है सर। सर 1 आएगी या 0 आएगी? जीरो सर आ रही है जीरो आ सर। रही ठीक है, cos 90। cos 90 की तो आ गई पर सर इसकी नहीं आई। 4 cos³x - 3 cos x सर इसकी आ रही है 9√3/2। नहीं, 0 आएगी बेटा। देखो LHS पार्ट देख करता हूं सर मेरा पहले। तो हो गया। LHS पार्ट तो cos 90 आ जाएगा, वो तो 0 आ गया आपका। RHS पार्ट देखो, मेरे पास क्या है, 4 cos x कितना 30 है ना, इसका हम क्यूब कर देते हैं -3 cos 30°। ठीक है, माइक म्यूट कर लो बेटा। 4 cos 30 कितना होता है, ये होता है √3/2, इसका हो जाएगा क्यूब, -3 cos 30 is √3/2 हो जाएगा। सॉल्व करना है तो 4 ये कितना हो जाएगा, 3√3/8 - 3√3/2, ये से कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, आ गया 0। कहां बेटा, कहां प्रॉब्लम हो रही थी हर्षित? ये सर मैंने क्यूबिंग में गलती कर दी थी। हाँ ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक मत करो बेटा, ठीक है? चलो, तो कोई कंफ्यूजन आ गया समझ में? तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो जरा, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, क्वेश्चन अच्छा है ये। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, आपका थीटा क्या एक्यूट एंगल है? इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड, और आपको दिया हुआ है एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टू, एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन सेवन थीटा प्लस कॉट 7 थीटा। ये क्वेश्चन है, आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपको 2 दिया हुआ है, तो इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी सर है। हम ट्राई करें इसको। करो ट्राई बेटा, अगर कर सकते हो तो। 2 मिनट्स हैं, 2 मिनट्स के लिए ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। माइक म्यूट कर लो। आपके पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये आपको 2 दिया हुआ है, तो इसमें आपसे पूछा है टेन सेवन थीटा प्लस कॉट 7 थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ट्राई करो। सर इसमें स्क्वायर करके होगा ना। करो आप ट्राई करो, कैसे कर सकते हो, करो करो आप, फिर मैं कराऊंगा। जैसा आपको ट्रिक लगानी है, जो करना है, जैसे करना है वैसे करो, फिर मैं कराऊंगा इसको।
मिनट्स हैं, 2 मिनट्स में ट्राई करो फिर मैं कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपको 10+ स्कोर दे देगा, उससे आपकी स्किल पूछेगा आपसे, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का, तो उस 4 ऑप्शन में सर सर 10⁻⁷ स्कोर ⁻⁷ इक्वल्स टू 2 आएगा सर आंसर, 2 आएगा। अच्छा बेटा कैसे क्या चल में सर, मैंने ना वैल्यूज देखी सर, आपने ना जैसे 10 थीटा, अब अपन ने ये जानते हैं अपन 10 थीटा + cot थीटा इक्वल्स टू 2 होता है, सर मैंने ना वैल्यूज देखी तो 10 45 1 होता है और cot 45 1 होता है, तो 1+1 तो 2 हो गया। अब सर अपन ये जानते हैं कि अब थीटा की वैल्यू 45 आ गई, अब सर 45 रखते हैं तो इन सब की भी वैल्यू 1 है, 1⁻⁷1 होता है और 1⁻⁷1 होता है। ठीक है बेटा, आपने 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 सोचा थोड़ा सही सोचा है, ठीक है मैं इसको सॉल्व दिखाता हूँ, सॉल्व कैसे होगा वो अपन देखते हैं। सही है, 2 आएगी इसकी वैल्यू, सही है। यहाँ पर देखो, ठीक है देखो, माइक म्यूट कर लो बेटा पहले, यहाँ पर देखना। यस सर। आपके पास 10 थीटा + cot थीटा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, आपने सोचा ठीक है वो सोचा सही है, मैं देखता हूँ उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देखो जरा, कैसे सॉल्व करेंगे। 10 थीटा cot हम जानते हैं बेटा, cot क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, लिख दूं इक्वल टू 2। थोड़ा मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10² थीटा + 1/10 थीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा बेटा एलसीएम लेने पर ये, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, मैं इस 10 को यहां पर शिफ्ट कर दे रहा हूं राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा 10² थीटा + 1 = 2 tan थीटा आ जाएगा। और इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले पार्ट को, तो क्या आ जाएगा 10² थीटा - 2 tan थीटा + 1 = 0। इतना समझ में आया क्या स्टेप, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो पहले, जो मैंने किया था आ गया सर, आ गया सर, आ गया। अब जरा इसको ध्यान दो, यदि मैं इसको मान लूं a² - 2ab + b² तो ये बन जाएगा क्या, ये बनेगा आपका 10θ - 1² बन जाएगा। जरा इसको ओपन करो, 10² थीटा आ जाएगा, a² - 2ab से 2tan θ + b² से 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख दूं, यहां से मैं लिख देता हूं 10θ, इस 1 को शिफ्ट कर दो उस तरफ, 10θ = 1। अब बस जो हम करते हुए आ रहे हैं, 10θ = क्या लिख दूं उसको मैं, 10 45। यहां से आपको थीटा कितना मिल गया, थीटा मुझे मिल गया 45 डिग्री। यहां तक समझ में आया क्या, पहले यहां तक पूछो कोई कंफ्यूजन हो तो। तीनों को समझ में आया नहीं आया सर, हर्षित इंशिया समझ में आया क्या? ये सर आ गए। हाँ इंशिया समझ में आया, कहीं कोई स्टेप में कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो बेटा, आया समझ में? ठीक है, थीटा आपका हो गया 45 डिग्री। बस अब तो ये पढ़ना है आपको, इसमें पुट कर दो जिसकी वैल्यू आपसे पूछी है, क्या पूछा है, 10 7θ + cot 7θ। ठीक है, तो क्या करो, थीटा इसमें पुट कर दो 45 डिग्री, ठीक है, और होल पावर कितना है 7 है, प्लस ऐसे ही इसमें पुट कर दो cot 45 डिग्री होल पावर 7। हम जानते हैं इसकी वैल्यू भी 1 होती है, 1⁻⁷ + 1⁻⁷ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो सॉल्व होगा वो इस तरह से सॉल्व होगा, समझ में आया। सब्जेक्टिव आप अगर यदि आता है क्वेश्चन तो सॉल्व इसको आप इस तरह से करोगे, इसको नोट कर लो बेटा, किसी भी स्टेप में कोई डाउट तो पूछ लो। हमने क्या किया, cot को आपने 1/10 लिख दिया, LCM length थोड़ा उसको आपने shift किया, ये आपका आ गया, ये आपका बन रहा है x - y का whole square बन गया, equal to 0 है, तो हमने simple क्या किया, 1 को shift कर दिया, यहाँ पर shift किया, theta कितना आ गया, ये आपका आ गया 45 degree, इसको इसमें put कर दो, तो कितना आ गया 1+1 कितना आ गया, इसका answer 2 आ गया। ठीक है, कोई confusion थी ना को किसी को तो पूछ लो बेटा, कहीं भी कोई भी step में इसको note कर लो, हो जाए तो बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। ये सर 1 मिनट सॉल्व कर दे। हाँ ये सर नोट कर लिया। हाँ इंशिया कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ठीक है नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। डन सर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा, क्वेश्चन लिखो फाइंड एन
बेटा चिन्मय आप माइक म्यूट कर लिया करो, जब पूछना हो तब उसको माइक को आप अनम्यूट कर लिया करो. फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन, आपको यहां पर दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपको इक्वल में दिया हुआ है वन माइनस रूट थ्री. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वन माइनस रूट थ्री डिवाइड वन प्लस रूट थ्री, इसमें आपको थीटा फाइंड करना है, आपको ये दिया हुआ है. ठीक है, ट्राई करोगे इसको, ट्राई करो अगर कर सकते हो तो, आपको इसमें थीटा फाइंड करना है. ये सर ट्राई करते हैं, ये सर ट्राई करते हैं, ट्राई करो बेटा, थीटा फाइंड करना है इसमें आपको, बताओ थीटा कितना आएगा. ट्राई करो और थीटा निकालना है इसमें आपको, थीटा कितना आएगा. 60 डिग्री करेक्ट. बाकी चिन्मय और इनसे आप ट्राई करो, फिर मैं पूछूंगा हर्षित से कैसे किया हर्षित ने. चले आप दोनों ट्राई करो. हाँ चंद में हो रहा है सॉल्व. वन मिनट सर. ओके सर मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले देखा कि इसमें अपन शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं. ठीक है बताओ कैसे. और फिर आर एच एस में देखा मैंने कि रूट थ्री आ गया आंसर, तो फिर मैंने देखा टेबल को कि टेन में और कॉट में रूट थ्री कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 30 और 60 पे आ रहा है. फिर मैंने एलएचएस पे देखा कि साइन बाय 60 साइन बाय कॉस 10 होता है. हाँ. और आरएचएस में रूट थ्री आ रहा है साइन बाय कॉस. ठीक है, 10 में रूट थ्री कहाँ आ रहा है, 60 पे आता है. सही है, सही है, एकदम सही है बेटा. हाँ हाँ चिन्मय आपने कैसे किया. मैंने भी कुछ ऐसे किया था सर, मैंने भी वैल्यूज देखो फाइंड करके. हां देखो कैसे करोगे, यहां देखना, देखो आपके पास... लेकिन इसको एक और तरीके से कर सकते हैं ना सर, अपन जानते साइन 1/10 थीटा होता है. साइन क्या होता है, 1/10 थीटा होता है. साइन क्या होता है, 1/10 साइन क्या होता है, 1/10 बता. टेन तो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन. अच्छा ठीक है. देखो तो अपने पास देखो यहाँ ध्यान से देखना, अपने पास ये है, ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन. मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, हम जैसे पहला ट्रिक अप्लाई करते आ रहे हैं, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मैंने कर दिया कॉस थीटा से. बेटा मैंने ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर वन मिल जाए. वन कैसे मिलेगा, जब मैं इसको कॉस से करूँ तो यहाँ पर वन है यहाँ वन है, तो मैं करूंगा इनको दोनों को मैं कंपेयर करूंगा बोथ साइड को. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब यहाँ देखो हम कर रहे हैं कॉस से डिवाइड, तो कॉस अपॉन कॉस तो वन हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan थीटा हो जाएगा बेटा. ऐसे ही cos अपॉन cos 1 प्लस sin अपॉन cos क्या हो गया, tan थीटा हो गया, किसके इक्वल 1 माइनस रूट 3 डिवाइड 1 प्लस रूट 3. ठीक है, जब भी ऐसा आए आप देखो आपका एग्जैक्टली सेम है, 1 है 1 है, माइनस है माइनस है, 1 है 1 है, प्लस है प्लस है. डिफरेंस कहां आ रहा है, यहां पर tan थीटा है, यहां पर रूट 3 है, आ रहा है डिफरेंस. तो आप क्या करोगे, आपको कंपेयर करने पर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा tan theta root 3 के इक्वल. ऑन कंपेयरिंग वी गेट tan theta इक्वल और सर root 3 60 डिग्री पे होता है. बस अब तो आ गया, हम लिखते हैं इसको tan 60 डिग्री. ठीक है, तो थीटा कितना मिल गया आपको, थीटा आपको मिल गया 60 डिग्री. समझ में आया बेटा कैसे किया मैंने. यस सर सही है. यस सर सर तो तीनों को समझ में आया गया बेटा. जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हो. यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो क्या कर सकते हो, इसको आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
वहां से आपको टेन थीटा मिल जाएगा रूट थ्री के इक्वल, वैसे भी कर सकते हो। फिर ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा आपको रूट थ्री के इक्वल मिल जाएगा, सॉल्व कर लोगे थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ये स्टेप मेन है जो मैंने यहाँ पर ये की है, डिवाइड किया है। ऐसा मैंने क्यों किया, भी आपको यहाँ पर देखो ये इक्वल में है या आपको वन मिल रहा है, तो मेरे को इसको वन में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा, मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूं तो वो आपकी हर एक टर्म कॉस से डिवाइड होगी, तो आपका इस फॉर्म में बन गया टेन आकर रूट थ्री के इक्वल आ गया, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तीनों को समझ में आया, कोई कंफ्यूजन हो दोबारा पूछ लो। हर्षित सर आ गया सर, ये सर समझ आ गया सर, आ गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन लिखो, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, if theta is an acute angle and आपको दिया हुआ है sin theta equal to cos theta and sin theta equal to cos theta, find the value of आपको value find करनी है to tan square theta, find the value of 2 tan square theta plus sin square theta minus 1. Find the value of 2 tan square theta plus sin square theta minus 1. Try करो। और यदि value आती है तो chat box में privately answer लिखना। Sin equal to cos दिया हुआ है आपको, 2 tan square plus sin square minus 1 इसकी value find करनी है। आंसर आता है तो चैट बॉक्स में लिखना प्राइवेटली आंसर, ट्राई करो इसको सॉल्व करो। सर मेरा सही है, सही है बेटा अर्षित, वेरी गुड। चिन्मय और इंशा ट्राई करो बेटा, ट्राई करो फिर मैं कराऊंगा। साइन इक्वल टू कॉस दिया हुआ है और ये फाइंड करना है, तो टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस वन। चिन्मय और इंशा आया क्या आंसर बेटा? सर मेरा तो आंसर नहीं आ रहा है। और इंशा क्या होगा, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन, लिख दूं इस तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू वन लिख दूं क्या, ये स्टेप सही है क्या, क्योंकि आगे नहीं जाएगा यहाँ पर तो कॉस आ जाएगा, ये स्टेप सही है। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा इक्वल टू वन को मैं क्या लिख दूं, टेन 45 लिख दूं। आया समझ में, थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 45 डिग्री। बस अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब तो क्या करोगे थीटा को इसमें पुट कर दोगे। ये स्टेप समझ में आई नहीं आई चिन्मय और इंशा, नहीं आया तो मुझे बताओ मैं दोबारा सॉल्व। आ गई सर, सर आ गई, आ गई सर। बस अब तो क्या करना है, जो आपको दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर थीटा पुट कर दो कितना है 45 है, प्लस साइन स्क्वायर इसमें पुट कर दो 45, ठीक है, और माइनस का 1, तो 2 ये हो गया 1, साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, इसका स्क्वायर कर दो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2, दिस इज द आंसर। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। यस सर आ गया सर, ठीक है नोट, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डन सर, डन बेटा, इंशा नोट कर लिया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
इफ क्वेश्चन देखो जरा, इफ ईच ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ईच ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट, पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट, ये आपको दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1/2, सच दैट साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1/2, और दिया हुआ है कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा ये आपको दिया हुआ है 1/2, और आपको एक दिया हुआ है टेन की फॉर्म में, टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इससे आपको अल्फा बीटा गामा फाइंड करना है, इससे आपको अल्फा बीटा गामा फाइंड करना है। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 1/2, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 1/2, टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। ये तो कैसे करेंगे देखो, आपके सर, पास हम बताएं सर, कर रहे हो, करो तो करो, निकालो, सिंपल कुछ नहीं है, इसको इक्वेट कर लोगे, यहां से कुछ मिलेगा आपको, यहां से मिलेगी एक इक्वेशन, यहां से मिलेगी सेकंड इक्वेशन, यहां से मिलेगी थर्ड इक्वेशन, तीनों को सॉल्व करोगे आपको अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा। आता है तो चैट बॉक्स में लिखना, अल्फा बीटा गामा आपके सब आ जाएंगे, तीन इक्वेशन मिलेंगी, तीनों को सॉल्व कर लोगे। करो सॉल्व इसको। सर मैंने आपको सेंड किया है सर, मैंने ना ऐसे करा है, आप करो, तो साइन की वैल्यू सब, हाँ तो उसको इक्वेट करो, उसको इक्वेट करो, ये तो इसको आप लिख दिया ठीक है, इसको आपने साइन 30 बोला, इसको आपने कॉस 60 बोल दिया, उसको बोला 10 45, तो इक्वेट करोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 30 के इक्वल मिल जाएगा। यस सर, वो आपकी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा 60 के इक्वल, ये आएगा 45 के इक्वल, तीनों को सॉल्व करो और अल्फा बीटा गामा फाइंड करो। ओके, क्योंकि हम जानते हैं साइन में ये होती है 30 पर, ठीक है, कॉस में ये होता है 60 पर, टेन में ये होती है 45 पर, इक्वेट कर लो, तीन मिल जाएंगी। सर गामा की वैल्यू आ गई 52.5 गामा। हाँ ठीक है, सही है, करेक्ट है। सॉल्व करो सर, बीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है बेटा कैसे करना है। yes. करो देखो, ऐसे करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा ये होता है आपका साइन 30, तो कंपेयरिंग करने पर क्या मिल जाएगा आपको, एक इक्वेशन मिल जाएगी अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा किसके 30 डिग्री के इक्वल। सर सर अल्फा की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है क्या? हाँ आएगी बेटा, बोलो क्या आ रही है। सर अभी निकाल रहा हूँ सर, मेरे को दिखा है सब पॉइंट में आ रही है। हाँ कर लो कर लो करो, ऐसे यहाँ पर ये कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा ये आपका होता है कॉस 60 पर, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 60 डिग्री के इक्वल, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं टेन ये हो जाएगा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, क्या ये होता है 10 45, ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा किसके 45 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3। बस तीनों को सॉल्व करना है एक बार, तो क्या करो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो देखो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, बीटा निकल के आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
देखो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, माइनस गामा, गामा 37.5 डिग्री क्या अल्फा? हाँ ठीक है बेटा सही है सही है। तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस बीटा इक्वल टू 90, तो बीटा कितना आ गया, बीटा मेरे पास आ गया 45 डिग्री, मैंने ऐड कर दिया फर्स्ट सेकंड को। फिर क्या करता हूँ, फिर हम ऐड कर देते हैं किसको, सेकंड थर्ड को, जरा ऐड करके देखो सेकंड थर्ड से क्या होगा, आपके पास बीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या कैंसिल होगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, गामा निकल के आ जाएगा। तो अब मैं करता हूँ एड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड से क्या हुआ देखो, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल और माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, तो ट्वाइस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 105, ठीक है बेटा आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, गामा आ जाएगा 52.5 आएगा, गामा आ जाएगा 52.5 ठीक है। फिर क्या करो, एक बार फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, कैसे कर सकते हो सर, तो डायरेक्ट वैल्यूज रख दो कोई, आप कैसे कर सकते हो, तो वहां से अल्फा आपको मिल जाएगा 37.5 डिग्री, ये आएंगी वैल्यू, ठीक है बेटा आया समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सिंपल आपको करना है उससे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये आ गया आपका अल्फा बीटा गामा, अल्फा 37.5 डिग्री, बीटा 45 डिग्री और गामा आपका आ जाएगा 52.5 डिग्री। समझ में आया तीनों को, कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लो। नो सर, नो सर, ठीक है। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में लिखना सब वैल्यू, तीनों सॉल्व करना, ठीक है, तीनों को सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन एक और है, ये नोट कर लिया बेटा, तीनों नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व करना है, वैल्यू बोलनी नहीं है, चैट बॉक्स में लिखना है वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। जरा क्वेश्चन लिखो, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इफ इफ ये लिख लो आप, टेन आपको दिया हुआ है, टेन ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू वन, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू वन, एंड एंड और दिया हुआ है सेक सेक बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू टू, ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, आपको इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना और चैट बॉक्स में आंसर लिखना। आपको इसमें ये दो ही चीज दी हुई है बस, ए टेन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू वन दिया हुआ है और सेक बी प्लस सी माइनस ए आपको टू के इक्वल दिया हुआ है, तो उसमें आपसे उसमें ए बी सी पूछा है, एक आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी। सेशन एंड होने पर दोबारा ज्वाइन कर लेना, कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व कर लो इसको और चैट बॉक्स में आंसर लिखो ए बी सी क्या आएगा। सर मेरी वैल्यू हर्षित बी निकाला, हाँ बेटा बी सही है, करते जाओ आगे सॉल्व, सही है बी, सॉल्व करते जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे चिन्ह में, सही है बेटा, ये बी की वैल्यू आएगी ना चिन्ह में जो आपने लिखा है, यस सर, ये ठीक है बी बी सही है, करो आगे सॉल्व करो। इंशिया सही है बी की वैल्यू, बोलो सर, इसमें बस अब वैल्यूज रख के करना पड़ेगा ना, हाँ करो जैसे करना है आपको, सर मेरी ए की वैल्यू भी बस आई गई, हाँ करो करो, हर्षित चिन्मय और इंशिया तीनों की सही है बी की वैल्यू, आप ये सॉल्व करो, चिन्मय सर मैंने ए की हाँ चिन्मय की वैल्यू भी भेजी, सही है ए सही है बेटा,
सॉल्व करो। सर 135 का हाफ कितना होता है? सोचो खुद कितना होगा। सर मैंने सेंड किया है आपको सर। सी सही है बेटा, वेरी गुड, सही है। हाँ हर्षित और इंशा आप सॉल्व करो। सर ए और सी की वैल्यू कैसा आएगी सर? सोचो ना जब सर मैं बताऊं सर कैसे आएगी। बोलो चिन्मय। सर जब अपनी बी की वैल्यू आ गई 52.5 आ गई तो सर अपन अब इसमें वैल्यूज रख सकते हैं 52.5 प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। और सर अपन जानते हैं ये एक ट्राइंगल है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। सही है, सही, बस वही करना है। आया समझ हर्षित? यस सर। बस क्योंकि देखो इसमें आपको दो दिए हुआ है तो एक आपको सोचना है, क्योंकि ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से आपके रिमेनिंग जो आपके ए और सी है वो निकल के आ जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो वैसे ही करना है। अब हो जाएगा बेटा सॉल्व। देखो तीनों का बी तो आ गया, ये से सॉल्व हो जाएगा। बी तो कितना आ जाएगा 52.5 डिग्री आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, अब यहां से देखो आपके पास क्या है, बी प्लस सी माइनस ए ये कितना होगा बेटा 60 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बी इसमें पुट कर दो 52.5 प्लस सी माइनस ए किसके 60 डिग्री के इक्वल, तो सी माइनस ए यहां से कितना आ जाएगा, कितना आएगा 7.5 आ जाएगा, यही आएगा 7.5। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम जानते हैं ट्रायंगल की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। होगा बेटा ऐसा, ए प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा। इसमें अगेन आप क्या कर सकते हो, बी पुट कर दो, बी कितना है 52.5 है, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये समझ में आया? तो यहां से आपके पास ए प्लस सी मिल जाएगा, ये कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 127.5 डिग्री मिल जाएगा बेटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या करो, दोनों को एड कर दो, हम एड कर दें फर्स्ट और सेकेंड को। ठीक है, तो एड करने से क्या होगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, twice c equal to 127.5 plus 7.5, तो यहां से आपको c मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा twice c equal to 135, ये है ना, तो c आपका आ जाएगा 67.5 आ जाएगा c, ये आएगा बेटा। समझ में आया? c आपका ये आ गया, बस c को क्या करो, इसमें किसी में पुट कर दो, वहां से आपका a आ जाएगा, तो a आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसा करो, इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसमें सी पुट कर दो आप, सी कितना आया था 67.5 माइनस ए इक्वल टू 7.5, तो माइनस हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये इसके आंसर आप ए बी सी आ गए। तो समझ में आया हर्षित और इंशा कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। सेशन एंड बड़ा दोबारा ज्वाइन कर लेना, एंड होने वाला है, उसमें मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको एंड करता हूँ मीटिंग को। आप दोबारा अपनी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई? नहीं नहीं अभी बची है बेटा, अभी का खत्म हो गई, अभी तो बचा है। ठीक है, तो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करना सेम लिंक से। ओके बेटा, ठीक है। यस सर।